अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, हम सब ठीक हैं। आज सारा दिन हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। शाम 6 बज रहे हैं, शाम का टाइम है, तो खाना मैंने तैयार कर लिया है, दाल बनाई है, बच्चों को भी खाना दे दिया है, बच्चे खा रहे हैं खाना, क्योंकि आज थोड़ी सी देर पहले बनाया है। मैं जा रही हूँ, मेरी बहन ने फ़ोन किया था, कोई थोड़ा सा काम है, कबीर के बाबा जाते हैं ना दूध लेने, तो उनके साथ जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है, हम ना और मैं जाएंगे, बाकी बच्चे घर पर रहेंगे। शाम भी हो रही है, बस जाएंगे, थोड़ा सा एक घंटे का सफ़र है, घंटे तक वापस आ जाएंगे, दूध लेकर काम भी करके, जो थोड़ा सा काम है, काम बताया नहीं है मेरी बहन ने, पता नहीं क्या काम है, इसलिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अल्लाह की रहमत है, हम लोग भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और बेगम साहबा ने अभी आपको बता दिया सलाम, तो अभी कल उन्होंने बता दिया क्या किया है। दाल वगैरह इन्होंने बनाई थी, ये देखें जी, दाल यहाँ पर बनाई है, मूंगी की दाल बनाई है, तो बच्चों को खाना वगैरह दे दिया, बच्चे तो खाना खा रहे हैं। ले जी, हदी कहा गया, हदी का कुछ सालन दो और ये ले, बता देना और डालो बस। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब खाना खा रही हूँ, भूख लगी थी हमें। चलो ठीक है, आप जाओ खाना खाओ, जाओ खाना खाओ, हम लोग जाते हैं ना, जाके वापसी आ जाएंगे। चलें ठीक है, फिर चलें हैं, मैं जाके नीचे मोटरसाइकिल निकालता हूँ, चलते हैं, देर हो रही है, वैसे भी शाम है। आप हमना को लेकर आओ, हमना ने हमना तो तैयार हुई खड़ी है, बस जूता हमना को देखें जी, हमना इधर तो आओ, ये देखें जी, सारी दाल लगी हुई है, दाल खा रही है, हदीका के साथ दाल खा रही है, शौक से खाती है ना दाल। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ नीचे, जाके मोटरसाइकिल निकालता हूँ, आप तब तक ना इसका मुंह धो लो, हमना का मुंह धो लो, मैं जब तक आता हूँ। ठीक है ठीक है, आप जाएं। बारिश आने के बाद ना, अब देखें आम के पौधे कितने खुशहाल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल हरे भरे, नई टहनियाँ निकल रही हैं, नई शाखें निकल रही हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं। ये छोटे वाले भी देखें, एकदम साफ सुथरा माहौल, ताज़ा हवा, बारिश आने से ना बिल्कुल हर चीज़ हरी भरी हो गई है, एकदम साफ़ सुथरा। हम लोग तो यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ से मुझे नज़र आया ना, मैंने कहा कि छोटा सा ना एक क्लिप बना लूँ यहाँ से। और बेगम साहब अभी इस तरफ हैं, गाय को देखने के लिए असल में हम आए थे, ये वाली गाय ना बहुत बीमार थी, इसका ना क्लिप मैं लगा दूँगा, बेगम साहब को तो पता नहीं था, अभी आइए इसको देखने के लिए। हाँ तस्वीर, हाँ वो मैंने दिखाई थी, वो हाँ वीडियो मैंने दिखाई थी ना, तो मैं इसी वीडियो थोड़े थे, अब तो वो मैं वीडियो के अंदर ना, वो मैंने अपलोड नहीं की थी, वो मैं इसी वीडियो के अंदर ना क्लिप लगा दूंगा, पहले इसकी क्या हालत थी और अभी क्या हालत है। अभी बहुत फ़र्क है इसको, इसके बदन पर, पूरे बदन पर कोई भी जगह खाली नहीं है, टांगों के ऊपर, सारे जिस्म के ऊपर, ये देखें। गरीब बंदे हम लोगों की तो और कोई चीज़ होती नहीं, ये छोटे मोटे जानवर होते हैं जिससे गुजारा वगैरह हो जाता है, घर का बच्चों का दूध भी हो जाता है, सारा दिन मेहनत भी करते हैं। आप लोग देख रहे हैं, बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप जो है ना हमारे लिए दुआ करें कि ये गाय बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि अगर जानवर को कुछ हो गया तो हम लोगों का तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। ये बेचारी डर रही है, देखिए इसके चेहरे के ऊपर भी हैं, फुल हालत ख़राब है। 3 दिन हो गए हैं इसको टीके लगवा रहे हैं, दवाइयाँ वगैरह लगवा रहे हैं, इनकी भी वैक्सीनेशन कराई है, इनकी भी वैक्सीनेशन कराई, इनको भी टीके लगवाए हैं, लेकिन उनको फोड़े नहीं निकले, इसको जो है ना निकल आए हैं। ये कल बहुत ज़्यादा हो गए थे, कल इसको बुखार भी था, 104 पर इसको बुखार था, दवाई वगैरह भी लगाई, अभी भी मैं दवाई लेके आया हूँ, बिल्कुल बुरी हालत हो गई है। ये देख रहे हैं ना आप पीछे, इसके थनों के ऊपर वाली जगह है ना, यहाँ पर भी फोड़े नज़र आ रहे हैं मुझे, अभी इसका दूध निकाल लिया ना, क्योंकि वो साफ नज़र नहीं आ रहे। टांगों के ऊपर, गर्दन के ऊपर, देख रहे ना ये यहाँ पर छोटे, इतना बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे, हम तो डर गए थे बाजी की। ये गाय ना, इसका दूध हम लेके जाते हैं,
मैं जो दूध लेने के लिए आता हूँ ना, इसी गाय का लेने का, ये वाली गाय और ये वाली गाय, इसका दूध लेने के लिए आता हूँ। पहले इसकी हालत ना बहुत ख़राब थी, अब काफ़ी फ़र्क है। इस जगह पर देख रहे हैं ना, बहुत फ़र्क है, बहुत हाँ ना, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वो मैंने दिखाया था ना पहले, उसकी क्या हालत थी, बहुत बुरी हालत थी इसकी। चलो शुक्र है अल्लाह का। और इस तरफ ये सुहांजना है, सुहांजना है, इस तरफ से साफ नज़र नहीं आ रहा, मैं दूसरी तरफ से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सुहांजना है, ये दूसरी तरफ से मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल हरा भरा हो चुका है। पहले गर्मी के अंदर ना इसकी तो हालत देखने वाली नहीं थी, ऐसे जैसे जला हुआ हो, धूप की वजह से ना जल चुका था, पत्ते वत्ते सारे इसके ना जल चुके थे, सारे नीचे गिर चुके थे। जैसी बारिशें आई हैं ना तो मौसम भी अच्छा हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। ये अभी नई शाखा भी निकाली है इसने, बिल्कुल हरा भरा है। पहले तो यहाँ पर बैठने के लिए, चारपाई रखने के लिए भी जगह नहीं। आम खाए जा रहे हैं जी, कबीर आम खा रहा है, पक्का आम। कौन सा आम है तू कबीर? दुशहरी। दुशहरी कौन सा है? दुशहरी। और इस तरफ भी ढेर लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े आम, सिंदड़ी के, सिंदड़ी है ना, है ना। देखें साइज, देखें इनका साइज चेक करें, सारे बड़े माशाल्लाह, और माशाल्लाह पक्के हुए। ये वाला भी देखो, ये बाजी के घर आए थे ना, काम था, ये आम भी इकट्ठे किए हुए थे बाजी ने, वो लेकर जा रहे हैं। हम ना भी खाएगी, कबीर भी शौक से खाता है, वैसे तो सब शौक से खाते हैं छोटे बड़े, क्योंकि मौसम का मेवा है। उठा इसे मुस्फिरा, उठा इसे, हम मैं ये सारी समेट लूँ, शाम हो रही है। इसके अंदर भी हमें इतने सारे हमें बोरी के अंदर डाल के जाने पड़े, ले जा रहे हैं बोरी के अंदर डाल के, इतने सारे हैं। बाजी ने इकट्ठे कर दिए थे, चलो आने का ये फ़ायदा तो हो गया है ना, कि बच्चों के लिए आम, इतने सारे आम हैं लेके जा रहे हैं।